मैंने राजेश खन्ना को छोले कुलचे खिलाए तालकुटरा स्टेडियम के। अरे वाह यार, 27 साल पहले राजेश खन्ना को छोले कुलचे खिलाए थे, कहाँ पे? तालकुटरा स्टेडियम दिवाली मेले में। अच्छा, क्या कहा था राजेश खन्ना ने? कहा था बहुत अच्छे छोले कुलचे आप। कैसे खाए थे, चटपटे या फिर कम? मीडियम मसाला। हाँ, ये राजेश खन्ना, राजेश जी ने खिलाए थे राजेश खन्ना को छोले कुलचे। चांदनी चौक गेट नंबर 2 से निकले मेट्रो स्टेशन से और नज़र पड़ी एक छोले कुलचे वाले भैया के पास। देखा तो बहुत भीड़ थी, लोगों से पूछा तो जायका बहुत अच्छा बता रहे थे, हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। राजेश भैया हैं ये, पिछले 40 साल से छोले कुलचे बेच रहे हैं और इस वक्त जो है वो कच्चा बाग बाजार। हाँ जी, शनि मंदिर 5 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन पर मैं खड़ा होता हूँ 12 से 5 बजे तक। 12 से 5 तक। अच्छा, ये देखिए छोले कुलचे तैयार हो रहे हैं, सिंगल पीस खा के देखेंगे। मसाले वसाले अपने राजेश भैया? सब अपने को, सिंगल पीस देना। छोले कुलचे मेरे फेवरेट हैं और जहाँ भी मिलते हैं मैं पहुँच जाता हूँ खाने के लिए। ओहो हो, नींबू मस्त। पहले खड़े होते थे आप कहीं और, नटराज दही बल्ले के वाले के पास, और अब खड़े होते हैं यहाँ पर। आपने खाए इनके छोले कुलचे? फर्स्ट टाइम आए। किसी से सुन के आए हो या अपने आप यहाँ? किससे सुना? यूट्यूब में देखे थे। अच्छा, यूट्यूब में बने हो वीडियो आपके पहले? ऑलरेडी बहुत सारे हैं, रील में भी बने हैं बहुत सारे। रील देखते हो आप? हाँ जी, रील बनाते भी हो? हाँ, नहीं भी हो, बनाते। करते क्या हो? जी सीएस है, सीएस स्टूडेंट हूं। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथ। सीए हो गए, कंप्लीट हो गए, अभी कौन सा अटेम्प्ट है? फाइनल। मैं सीए हूं, ये दोनों। आप सीए हैं? यस सर। अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं इनको? नहीं नहीं, ऑडिट पे आए थे। ऑडिट करने आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नागपुर। नागपुर से आए आप? तो नागपुर मैं खाता हूँ आपके। ये मेरे हैं। नागपुर में छोले कुलचे मिलते हैं? है नहीं, नहीं मिलते। कहीं तो मिलते होंगे? मिलते हैं, हल्दीराम में मिलते हैं। हाँ, तो आपको दिल्ली आए कितना टाइम हुआ अभी? बस कुछ ही घंटे हुए हैं। कुछ ही घंटे हुए हैं और छोले कुलचे खाने आ गए? हाँ जी, सीधे। सीरियसली सुना था इनके बारे में? सही में सुना था। हम तो रास्ता पूछ के आ रहे हैं। राजेश जी फेमस है भाई, है? अंदर चले गए हम पहले, वो बोले नहीं बाहर निकलो, फिर हम वापस अंदर चले गए, फिर हम बाहर आए पूछ के, फिर यहाँ आए। पहले मैंने राजेश खन्ना को छोले कुलचे खिलाए तालकुटरा स्टेडियम के। अरे वाह यार, 27 साल पहले राजेश खन्ना को छोले कुलचे खिलाए थे, कहाँ पे? तालकुटरा स्टेडियम दिवाली मेले में। अच्छा, तो राजेश खन्ना जी ने खुद आए थे वो खाने? मेला कमेटी वालों ने उनको बुलाया था, तब सारे स्टॉल खाने के लगे थे, तो छोले कुलचों का मेला लगा था, बाकी हर चीज़ का एक एक स्टॉल था खाने का। छोले कुलचों का मेला लगता? नहीं, खाने पीने का, जैसे दिवाली पे स्टॉल लगते हैं सबके, तो छोले कुलचे हमारे थे, बाकी भटूरे गोलगप्पे सबके अलग अलग स्टॉल थे जो नामी। क्या कहा था राजेश खन्ना ने? कहा था बहुत अच्छे छोले कुलचे आप। कैसे खाए थे, चटपटे या फिर कम? मीडियम मसाला। हाँ, ये राजेश खन्ना, राजेश जी ने खिलाए थे राजेश खन्ना को छोले कुलचे, और है 27 साल पहले। तो उसके बाद कभी मुलाकात नहीं उनसे? नहीं, फिर हमने मेले करने छोड़ दिए हैं, ये ठिया ही लगाते हैं अब नहीं जाते। पहले शादियों में काम करता था, अपने स्टॉल लगाता था, अब नहीं जाता। खुश हैं अपने काम से? सही चल रहा है काम? आप बेटे इनके? हाँ जी। कितने साल का? मैं 32 साल का। भैया बना तो रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा, भैया को थोड़ा, चलिए मैं खा के देखता हूँ। अच्छा, पत्ते में देते हैं छोले कुलचे? अच्छा, मुझे जो है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दूंगा, छोले कुलचे खाने का शौक है। देखते हैं राजेश खन्ना जी ने जो छोले कुलचे खाए थे आज, उनका स्वाद कैसा है। छोले कुलचे देखिए, कुलचे तो हर जगह सेम होते हैं, लेकिन छोले का तरीका होता है बनाने का, हाथ होता है मसाले डालने का, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, खट्टा है हल्का सा, नींबू ज़्यादा डाल दिया। क्या बोल रहे हो? हम जितने मसाले होते हैं सारे साबुत लाते हैं, लौंग, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च वगैरह, उसको साफ करके तैयार करते हैं। उसके बाद ये जो कुलचे होते हैं, ये कुलचे बाइट वाले होते हैं, ये कोई नहीं लगाता, इस तरह मैं लगाता हूँ, दो जने नई सड़क पर लगाते हैं। लेकिन है तो मैदा के ही? सूजी मैदा मिक्स होता है, ये सूजी मैदा मिक्स होता है। चलिए, बहुत अच्छे हैं, थोड़े मैंने चटपटे बनवाए थे, एकदम मुलायम कुलचा होता है। हाँ, मुलायम कुलचा जो है, थोड़ा सा वाकई कह रहे हैं मुलायम है, लेकिन अच्छा टेस्ट है। छोले कुलचे जिनके फेवरेट हैं उनको यहाँ पर आके एक बार ज़रूर खाना चाहिए, छोले इनके गर्म हैं। और मेरे हिसाब से भाई साहब एक नंबर, उंगली डाली, बाय।